हेलो दोस्तों। तो यार, इस पेंटिंग का टॉपिक है जैसे सेफ ड्राइव कह सकते हो, या फिर रोड एक्सीडेंट के ऊपर कह सकते हो, या रोड सेफ्टी, मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखो, बैकग्राउंड में ना मैं बहुत, मतलब ऐसा बैकग्राउंड करूँगा जो बहुत अट्रैक्टिव लगे, और इसमें देखने में ब्रश गोल गोल चलाऊँगा, और आपको इसमें राउंड ब्रश यूज़ करना है, और थोड़ा जो राउंड ब्रश, मतलब 8 या 9 नंबर का बड़ा वाला यूज़ करना है। ठीक है, ब्रश तो ऐसे करके मतलब ये करना है। अब देखो, इसमें ना मैं डार्क से लाइट की तरफ जा रहा हूँ, जैसे ब्लैक, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो। ठीक है, और देखो, मैं ऐसे, देखो ऐसे सर्कल सर्कल देता हूँ, फिर बीच में देखो जहाँ पे सर्कल दे के, जैसे येलो और जो ऑरेंज वाला पार्ट होता है उन दोनों के बीच, फिर एक मिक्सिंग देते हो। जैसे देखो, ये येलो करा तो येलो, और देखो ऑरेंज अलग दिख रहा है, फिर उसके बीच वाले पार्ट को देखो, ऐसे ऐसे सर्कल से मर्ज कर दिया। ठीक है, तो उन दोनों के जो बीच ज्वाइनिंग पार्ट होता है ना, उसको फिर मर्ज कर देता हूँ, और ब्रश को ऐसे राउंड राउंड चलाना है, देखो जैसे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रश ऐसे राउंड चलाओ और बस करो। और देखो, अब जैसे येलो के बाद वाइट आएगा ना लाइट में, और इधर से ब्लू के बाद वाइट आएगा, तो मैं दोनों के वाइट को लाके ना मिक्स कर दूंगा बीच में, देखना। और थोड़ी थोड़ी लास्ट में ब्लेंडिंग देने के लिए हल्का वाइट उसमें डालूंगा, मतलब राइट वाले बैकग्राउंड में, हल्का वाइट लेफ्ट वाले बैकग्राउंड में, ताकि आपस में बिल्कुल अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। देखो, ठीक है, अब देखो हल्का सा, मतलब ऑरेंजिश टेक्सचर आ रहा है ना हल्का, देखो मतलब बीच में जैसे थोड़ा सा ब्लू का भी मिक्सचर है, और मतलब इधर से जैसे राइट साइड से येल्लो का भी हल्का मिक्सचर आ रहा है। अब देखो, जैसे ये देखो, अब ब्लू का लूँगा, ये देखो, ये ऐसे मीडियम टोन, मतलब थोड़ा सा और अंदर ब्लू ला रहा हूँ, मतलब ब्लू के भी सारे टोन हैं, और ये ऑरेंज के भी सारे टोन हैं। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है, और फिर अलग अलग कलर के भी दे सकते हो। जैसे देखो, ये करा फिर उसमें वाइट मिक्स कर देना। ठीक है, जैसे ग्रीन करा, ग्रीन में वाइट मिक्स कर दो, मतलब बीच वाले पार्ट तक वाइट ला के ले आओ, ये है। अब देखो, ये रेड करा उसमें ऑरेंज मिक्स किया, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद इसमें वाइट कर दूंगा मैं। ठीक है, देखो अब हमारा ना अट्रैक्टिव बैकग्राउंड वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब ना उस पर ना ड्राइंग सीधा ब्रश से करना, क्योंकि फिर ना मतलब इस पर, एक तो पेंसिल से करोगे तो उससे टाइम लग जाएगा अलग। ठीक है, और मतलब अगर तुम्हारा, जैसे तुम इससे करोगे ना, तो इसमें अगर कोई गलती भी हो ना, तो तुम कलर से ढक देना बस, मतलब लाइट बैकग्राउंड पर बिल्कुल अगर डार्क से बनाओगे, जैसा भी कर रहा हूँ मैं, तो इस पर गलती हो तो ज़्यादा मतलब ढकने की वो नहीं होगी गुंजाइश, लेकिन ये भी ढका जा सकता है, पर उसमें थोड़े फिर लेयर्स ज़्यादा डालने होंगे। पर वैसे अगर डार्क बैकग्राउंड होता है ना, उस पर कुछ लाइट से ड्रॉ करते हो, तो फिर मतलब ऐसे आप ढक भी सकते हो उसको। ठीक है, तो ब्रश से करने पर डरा मत, क्या करो, करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब देखो, अब ये गाड़ी बना रहा, तो गाड़ी के नीचे नीचे वाले पार्ट पे ना मैंने रेड किया है, और फिर ना मतलब ऊपर ऊपर से ऐसे सन के लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही होगी मान लो, तो वहाँ पे थोड़ी लाइट होगा, तो इस वजह से थोड़ा लाइट होगा, तो इस वजह से रेड में ना वहाँ पे वाइट वाइट मिक्स करो, तो मतलब उससे ना लाइट की रिफ्लेक्शन पता लग जाएगी, मतलब उस जगह ना लाइट किया करो, ऊपर ऊपर, मतलब एक साइड चूज़ करके उस तरफ लाइट लाइट किया करो। जैसे देखो, मैं गाड़ी के हर जगह ऊपर वाले पार्ट पे मतलब लाइट कर रहा हूँ। ठीक है, और शीशे दिखा दो, और मतलब प्रॉपर ऐसे गाड़ी वाला लुक दे दो। ठीक है, देखो पेड़ पे ना थोड़ा पर्सपेक्टिव देना है आपको, जैसे सबसे आगे वाला पेड़ थोड़ा बड़ा, फिर उसके बाद पीछे जाते जाते पेड़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैं ऐसे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ ना ब्रश से, तो ब्रश को बिल्कुल सीधा रखना है, फिर ऐसे स्ट्रोक्स मारने हैं। ठीक है, हल्के हल्के धब्बे धब्बे नहीं मारते वैसे। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले पर्शियन ब्लू, फिर उसके बाद उस पर ग्रीन, फिर उसके बाद येल्लो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे ना मैं ऐसे स्पीडोमीटर दिखाऊंगा, और एक तरफ डेंजर का दिखाऊंगा, और एक तरफ सेफ का दिखाऊंगा, सेफ्टी का।
ऐसे। और इसमें शेडिंग जो दे रहा हूँ ये भी थोड़ी पैची टाइप दूंगा, जैसे ब्लैक, फिर मतलब ग्रीन, फिर येलो, फिर वाइट जो मिक्स करा है, तो उसमें देखो धब्बे धब्बे टाइप में दूंगा। जैसे देखो ब्रश, देखो मैं कैसे चलाऊंगा, देखना ऐसे ऐसे करके, मतलब हल्का छोटे छोटे, मतलब छोटा सा स्पेस चूज करो और उस पर ऐसे ब्रश लाओ, फिर आगे नेक्स्ट ऐसे ऐसे, मतलब हल्का हल्का ब्रश, थोड़ा थोड़ा, जस्ट हल्की हल्की थोड़ी सी जगह पे हिला लागे करो ब्रश को, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे ब्लू की शेडिंग दे दो, जिससे कि थोड़ा सा मतलब पेंटिंग में लुक और अच्छा आ जाए। और गाड़ी के नीचे ये ब्लू इसलिए करा क्योंकि गाड़ी की भी शेडो बन रही होगी ना इस वजह से। अब देखो अब यहाँ राइट साइड ना एक मतलब स्टेयरिंग दिखाओ, उस पर दो हाथ दिखाओ ऐसे ऐसे करके, और एक हाथ में ना फ़ोन दिखाना, ठीक है। और फ़ोन में ना पता है क्या करना, वो फ़ोन चला रहा है और इस पर ना ऐसे करके रेड का जैसे मैंने क्रॉस बनाया ना रेड कलर से, तो ये चीज़, तो इससे ये शो होगा कि हमें मतलब ये चीज़ नहीं करना चाहिए, मतलब एक हाथ से ड्राइवर एक हाथ से फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। अब यहाँ पे ना नो मोबाइल वाइल ड्राइविंग ऐसे कुछ लिख देना, ठीक है अच्छा सा। अब देखो अब यहाँ पे ना ट्रैफिक पुलिस बनाना है, ठीक है, और वो मतलब स्टॉप का ऐसे साइन लेके खड़ा होगा, ठीक है। देखो ये पेंट है ना ये ब्लू कलर में बनाना, ठीक है। और ये जब पेंट बनाओगे ना तो मतलब इसमें ना पर्शियन ब्लू से आउटलाइन कर देना पहले, ठीक है, फिर बीच में ना ऐसे वाइट से फिल करना। और वाइट से जब फिल करोगे तो जहाँ पे पर्शियन ब्लू है ना वहाँ पे थोड़ा वाइट कम रखना, और फिर नीचे लाते लाते वाइट ज़्यादा करना, ठीक है। जैसे देखो उससे मीडियम और लाइट टोन आ जाएगा और डार्क टोन भी, ठीक है। मतलब जहाँ पे ब्लू है वहाँ पे हल्का सा वाइट कम रखना, फिर मिक्स करना, फिर उसके बाद उस ब्रश धो लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ना जो मीडियम टोन बना ब्लू और उसका, उसके बाद मीडियम टोन में वाइट मिक्स करना है हल्का नीचे जाके, ठीक है। तो फिर मतलब सेम ऐसे बन जाएगा तुम्हारा। और फिर हाथ दिखाना, हाथ में थोड़ा सा वाइट से ऐसे करके, ताकि पता लगे कि मतलब प्रॉपर हाथ गोल है। और उसके बाद फिर ऐसे स्टॉप का साइन दिखाना इस पर, और स्टॉप में रेड और फिर राइट साइड ऑरेंज कलर से थोड़ी सी मिक्सिंग दे देना, ठीक है। देखो यहाँ जो इस पे मैं वाइट वाइट कर रहा हूँ ना, ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा मतलब फाइन लाइन देना है, ताकि मतलब इससे बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आती है पेंटिंग में। ये नहीं कि बहुत मोटी मोटी लाइन चला दी, बहुत बच्चे ना ये गलती करते हैं कि लाइन ना बहुत मोटी मोटी चला देते हैं वाइट की, जो डिटेलिंग के वक्त करते हैं। तो इसमें ना थोड़ा ध्यान रखना है, लाइन ना बहुत फाइन चलनी चाहिए आपकी, ठीक है। उसके लिए ब्रश 0 नंबर या 1 नंबर का ब्रश यूज़ करना, और पानी हल्का लेना है और कलर भी उतना ही लेना है जितना पानी लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर करना होता है, ठीक है, ताकि ब्रश बहुत फाइन चले, इस वजह से पानी लेना होता है। देखो ये जो ट्रैफिक लाइट मैंने बनाया है इस पे ना मतलब तीनों टोन का यूज़ किया मैंने। एक तो देखो ब्लैक्स तो सिंपल, वहाँ पे जहाँ हाथ अभी बना रहा हूँ वहाँ ब्लैक यूज़ करा है, ठीक है। लेकिन ना मतलब जो बीच वाला है उसमें तीन टोन यूज़ करे हैं, जैसे सबसे डार्क टोन, फिर मीडियम टोन और फिर लाइट टोन, ग्रे के तीनों टोन यूज़ हुए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, और मतलब वैसे तीन चार टोन है वो, ठीक है, लेकिन आप तीन टोन मेनली यूज़ करना, और ब्लेंडिंग तीनों टोन में प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि एक अलग आ गया एक अलग टोन आ गया, तीनों बिल्कुल ऐसे परफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये देखो ये तो एक सीधी लाइन डालना और उस पर हल्की हल्की सी वाइट से शेडिंग डाल देना, तो नीचे का उनका जो मतलब ये जो रॉड्स है वो बन जाएगा।
ख्याल यार ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा, तो तुम इजीली कर लोगे इसको। और अगर तुम इसको बनाओ तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर सेंड करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? और मतलब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा साइड में, तो आप वहाँ से भी देख के मतलब सर्च करके ऐसे फॉलो कर सकते हो। अच्छा, किसी को पोस्टर मेकिंग और पेंटिंग में बेसिक डिफरेंस पता है? आप ज़रा कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, कि मतलब पोस्टर मेकिंग और पेंटिंग में डिफरेंस क्या है। और मैं क्या कह रहा था, हाँ तो ना मैं ज़्यादातर पोस्टर मेकिंग बनाता रहता हूँ, मतलब पेंटिंग कंपटीशन वगैरह के लिए, और अच्छी अच्छी चीज़ें आइडियाज़ देता रहता हूँ। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।